नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मेरा नाम है सीबॉम और आप देख रहे हैं जेएनबी पाठशाला। मैं एक जवाहर नवोदय विद्यालय का स्टूडेंट हूँ। जी हाँ, एक नवोद्यान। तो कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेंट्रल हिंदू स्कूल क्लास 9th के लिए, क्योंकि आप लोगों का काफी ज्यादा डिमांड था कि क्लास 9th का मैं आपको सिलेबस बता दूं। तो मैं इसमें यही आपको बताऊंगा, सिलेबस बताऊंगा कि आपको कैसे कैसे पढ़ना है, वो भी सभी सब्जेक्ट वाइज, यानी हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस और आपका जो सोशल साइंस है, यानी आपका जो जीके वगैरह जो आता है, ये सभी चीजें मैं आपको बता दूंगा कि आपको कैसे कवर करना है। एक एक चैप्टर वाइज मैं आपको सभी चीजें बताऊंगा डिटेल में। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ में। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदी की, कि हिंदी में क्या आता है। जैसे कि हिंदी ग्रामर आता है या हिंदी का जो बुक आपको पढ़ाया जाता है वो आता है। तो मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ कि सिर्फ हिंदी ग्रामर से क्वेश्चन आता है, लेकिन जो एनसीईआरटी का बुक आप पढ़ते हैं क्लास 8th में, आप ध्यान देना, एनसीईआरटी का मैंने बोला है, तो उसमें जितने भी पोएम्स है उसके लेखक का भी नाम आ जाता है। पोएम के लेखक का नाम पूछ देगा, जैसे कि फर्स्ट चैप्टर हमारा जो है ये ध्वनि चैप्टर है और इसके जो लेखक है ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। तो इस तरीके से आपको याद होना चाहिए, खास करके पोएम वगैरह का तो आप पूरा याद कर लेना। और सिर्फ क्लास 8th का ही नहीं, आप कोशिश करना क्लास 7th का भी एनसीईआरटी का बुक लेकर के और उसके भी पोएम्स का नाम याद कर लेना। और क्लास 9th के जो शुरू के 5 चैप्टर्स है इसको भी आपको याद करना है, ये सिर्फ लेखक के नाम याद करना है। और मैं आपको हिंदी ग्रामर में बताऊंगा कि क्या क्या आता है चैप्टर वाइज, तो उसको आप नोट कर लो। फर्स्ट चैप्टर है हमारा लेखक और वो भी क्लास 7th, 8th और 9th, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया है। दूसरा चैप्टर है हमारा उपसर्ग और प्रत्यय। तीसरा चैप्टर है हमारा संधि, जिसमें कि संधि भी पूछता है, तो संधि में हमारा ज्यादातर स्वर संधि पूछता है, तो स्वर संधि आप पढ़ लेना अच्छे से। चौथा चैप्टर है हमारा समास और पांचवा चैप्टर है हमारा अलंकार। अलंकार आप एकदम अच्छे से पढ़ना और समास, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है। और उसके बाद छठा चैप्टर है हमारा छंद, तो छंद भी आ जाता है। ये जो छंद है ये क्लास 9th में पढ़ाया जाता है, कहीं कहीं क्लास 10th में पढ़ाया जाता है, लेकिन ये सीएचएस में कई बार इसे एक दो क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। हमारा सातवां चैप्टर है विशेषण, तो विशेषण पढ़ लेना और विशेषण के जितने भी चार प्रकार होते हैं इसको भी आप पढ़ लेना। आठवां है हमारा उच्चारण स्थान, जैसे कि किसी भी चीज को जब हम बोलते हैं, जैसे कि क ख ग घ, ये सब जो चीजें होती है इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, ये सभी चीजें आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि हर बार इसे एक दो क्वेश्चन जरूर पूछता है। 9th चैप्टर है हमारा मुहावरे और लोकोक्तियां, तो ये तो आना ही आना है। 10th चैप्टर है हमारा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जैसे पूछ देगा जहां पहुंचना कठिन हो, तो इसका आपको आंसर पता है दुर्गम। हमारा 11th चैप्टर है विलोम और पर्यायवाची। हमारा 12th और लास्ट चैप्टर है कारक, और उसके बाद से एडिशनल में भी आप ग्रामर का जो एमसीक्यू क्वेश्चन होता है जो मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा उसे भी आप देख लेना। सो माय डियर फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं इंग्लिश की, तो इंग्लिश के भी चैप्टर्स आप नोट डाउन कर लेना। तो हमारा पहला चैप्टर है आर्टिकल, सेकेंड चैप्टर है हमारा स्पेलिंग मिस्टेक और स्पेलिंग करेक्शन। जैसे कई बार क्या होगा कि एक ही वर्ड दे देगा और पूछेगा कि इसमें से कौन सा वर्ड चाहिए, जैसे कि करप्शन का मीनिंग लिख देगा और करप्शन का ही मीनिंग इधर उधर करके चारों ऑप्शन करप्शन ही लिखा रहेगा, लेकिन उसमें स्पेलिंग मिस्टेक रहेगा, वो आपको पहचानना रहेगा। और कई बार क्या होता है कि करेक्शन करने के लिए दे देता है, सेंटेंस में कुछ गड़बड़ दिया रहेगा उसको अंडरलाइन किया रहेगा और पूछेगा कि यहाँ पे क्या फील हो सकता है, ये सभी चीजें आप प्रैक्टिस करते रहना। और तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है हमारा प्रीपोजिशन, और चौथा हमारा चैप्टर है जो कि मतलब सभी बच्चों को डरा करके रखता है, वो है हमारा एंटोनिम्स और सिनोनिम्स, तो इसको तो मैं आपको काफी अच्छे से प्रैक्टिस करा दूंगा। और 5th चैप्टर है हमारा फिगर ऑफ स्पीच, मतलब अलंकार, यानी इंग्लिश में आपको फिगर ऑफ स्पीच पढ़ना है। बाय द वे ये क्लास 8th का सिलेबस नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पढ़ना है, क्योंकि हर बार इससे एक या दो क्वेश्चन, ये मतलब एकदम तय है कि आना ही आना है। 6th चैप्टर है हमारा प्रोवर्ब, प्रोवर्ब से भी हमारा क्वेश्चन पूछता है, या प्रेजल वर्ब जो है इन सभी से भी क्वेश्चन आ जाता है, तो इन सभी का भी आप अच्छे से प्रैक्टिस करना। 7th चैप्टर है हमारा पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच में आपको मतलब सभी चीजें थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए। 8th चैप्टर है हमारा सिंगुलर एंड प्लूरल, अब जो आपको सिंगुलर एंड प्लूरल पढ़ना है तो ये ज्यादातर मतलब ऐसे वर्ड का पढ़ना है जो कॉमन नहीं है, थोड़ा सा मतलब घुमाऊ है, जिनका कि जो अगर सिंगुलर से प्लूरल में बदला जाता है तो उसका कुछ अलग चीज हो जाता है, या उसमें कुछ एडिशनल चीजें ऐड की जाती है, या जो चीजें एक्सेप्शन होती है, तो इन सभी चीजों को आपको ज्यादा पढ़ना है। 9th चैप्टर है हमारा फिल इन द ब्लैंक, अब क्या देता है, कुछ सेंटेंस दे देगा, वहाँ पे फिल करने के लिए कुछ दे देगा, अब वहाँ पे नाउन भी आप फिल कर सकते हो, वर्ब भी फिल कर सकते हो, या कुछ भी, तो ये सभी चीजें मतलब आप ऐसे ही मतलब एमसीक्यू इंग्लिश का क्वेश्चन सॉल्व करते रहना, और ये सभी चीजें आपको प्रैक्टिस करवाएगी जेएनबी पाठशाला, आप चिंता ना करो। और हमारा 10th चैप्टर है टेंस, आपको पूरा एकदम अच्छे से आना चाहिए, टेंस से भी हर साल मिनिमम 2 क्वेश्चन आ जाते हैं,
हमारा 11 चैप्टर है और सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर भी है वॉइस, क्योंकि वॉइस क्लास का सिलेबस है और वॉइस से तो आना ही आना है, क्वेश्चन एकदम तय है। और हमारा 12th चैप्टर है सेंटेंस। तो सेंटेंस को दो प्रकार से बांटा जाता है, एक सेंटेंस का जो टाइप होता है उसमें 5 टाइप होता है और एक सेंटेंस का जो टाइप होता है उसमें 3 टाइप होते हैं। यानी सेंटेंस को आपको एकदम अच्छे से पढ़ना है। हमारा जो 13th चैप्टर है वो हमारा सिलेबस, सिलेबस भी आपको दे देगा पूछने के लिए, जैसे कि आपको कोई वर्ड दे देगा उसमें पूछ देगा कि कितने सिलेबस है। जैसे कि आप समझ जाओ शिवम को ही ले लो, तो शिवम में जैसे दो सिलेबस है, सी अलग हो, शिव अलग हो गया और म अलग हो गया, शिव म ऐसे शिवम। यानी अगर आप इसका, अगर आपको जो वर्ड है उसका संधि विच्छेद करने पे, अलग अलग तोड़ने पे कितना उसमें वर्ड बनाया जा सकता है जिसका कि अपना अलग अस्तित्व हो, उसी को हम सिलेबल बोलते हैं। हमारा 14 और लास्ट चैप्टर है जनरल इंग्लिश, मतलब जनरल इंग्लिश से कुछ भी, मतलब ऐसे जो आप पढ़ते हो नॉर्मली, मतलब जिसमें कि सभी चीजें ये आ जाती है जितने भी मैंने आपको बताया, ये सभी चीजें पूछ देता है। जैसे कि मैंने आपको फिल इन द ब्लैंक बताया, आपको पार्ट ऑफ स्पीच से, टेंस से वगैरह कुछ भी मतलब पूछ देगा, वर्ब वगैरह भरने के लिए या कुछ भी, तो इस तरीके से भी आ जाता है। अब हम बात करते हैं सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का, जिसमें जीके, आपके करंट अफेयर, ये सभी चीजें आता है। तो मैं पहले आपको इसका जो टॉपिक है मेन बता देता हूँ। इसमें आपको जनरल चीजें पता होना चाहिए, एकदम मतलब जो बेसिक सा चीजें होता है, बेसिक सा जनरल नॉलेज, ये सभी चीजें आपको पता होना चाहिए। उसके लिए मैं आगे आपको दो बुक रिकमेंड करूंगा, वो आप पढ़ लेना, और उसके बाद से क्लास एट का जो भी बुक आपके पास हो, यानी जो हिस्ट्री, आप जियोग्राफी और सिविक्स, यानी आपके पास इतिहास का, भूगोल का और नागरिक शास्त्र का जो बुक है उसको एकदम अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ज्यादातर उसमें काफी मतलब इजी क्वेश्चंस आते हैं। और करंट अफेयर के लिए कम से कम आपको 4 महीने पीछे क्या क्या चीजें अच्छी हुई है, या मतलब क्या क्या चीजें बड़ी हुई है, क्या क्या बड़े बड़े मिशंस हुए हैं साइंस के फील्ड में, क्या क्या अच्छे अच्छे रिसर्च हुए हैं, ये सभी चीजें आपको पता होना चाहिए, किसको क्या क्या अवार्ड दिया गया, ये जनरली ये सभी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो इसमें मैं आपको टॉपिक वाइज नहीं बता रहा हूँ, अब जनरली मतलब ये सभी चीजें जनरल है, तो ये सभी चीजें आपको पता होना चाहिए। जैसे कि कुछ दिन पहले ही अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम का नाम बदल करके नरेंद्र मोदी स्टेडियम किया गया, तो शायद ये क्वेश्चन पूछ सकता है, कोरोना से रिलेटेड कोई भी चीज पूछ सकता है। तो ये सभी चीजें बेसिक सा चीजें, ये सभी चीजें आपको पता होना चाहिए। और करंट अफेयर के लिए खान जीएस रिसर्च एकेडमी, वहां से भी आप पढ़ सकते हो। अब जैसे कि आप देख सकते हो मेरे पास यहाँ पे एक लूसेंट का बुक है, सामान्य ज्ञान का, ये सबसे बेस्ट बुक है। तो अभी यहीं से आपको आपका जो हिस्ट्री, भूगोल और जो जनरल चीज है यहीं से आप तैयार कर सकते हैं, क्योंकि इसमें काफी अच्छे से मतलब दिया रहता है। बाय द वे इसका मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मतलब मैं इसे पढ़ता भी हूँ, यहाँ पे मेरा नाम भी लिखा हुआ है, काफी अच्छी बुक है, आप इसे पढ़ सकते हैं। और नहीं तो एक और दूसरा भी बुक है, अब जैसे कि दूसरा बुक आप देख, ये देख सकते हैं, ये भी काफी बेस्ट बुक है, मतलब आपको तैयारी करना है तो। ये जो बुक है ये अरिहंत का आता है, सामान्य ज्ञान लिख करके, इसका जो राइटर है वो है मतलब मनोहर, ये इंग्लिश में भी आता है, हिंदी में भी आता है। तो जैसे मेरे पास जो है वो थोड़ा आउटडेटेड हो चुका है, आप अपडेटेड ले लेना, ये 2019 का, 2021 का ले लेना, अगर आपको एकदम अच्छे से प्रिपरेशन करना है तो। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करने वाले हैं मैथ्स की, वन ऑफ द माय फेवरेट सब्जेक्ट, तो इसे भी आप ध्यान से देखना। तो मैथ्स के जितने भी चैप्टर है उसे मैं बोलूंगा इंग्लिश में, लेकिन आपको जो स्क्रीन पे दिखाई देगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों दिखाई देगा, तो अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो हिंदी में लिख लेना, और इंग्लिश मीडियम से हो तो आपको तो कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं है। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है एज रिलेटेड, यानी आयु से संबंधित, जैसे पूछ देगा जो राम की आयु है वो एक्स ईयर है और उसकी जो माया उसे 3 गुनी बड़ी है, यानी 3 टाइम्स है, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। और हमारा सेकेंड चैप्टर है टाइम एंड वर्क, और थर्ड चैप्टर है हमारा प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी, हमारा चौथा चैप्टर है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, हमारा फिफ्थ चैप्टर है परसेंटेज यानी प्रतिशत, हमारा सिक्स चैप्टर है मीन, मीडियन एंड मोड, सेवन चैप्टर है हमारा अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज के बारे में, एट चैप्टर है हमारा कंपेयरिंग क्वांटिटी, जिसमें कि आपको टैक्स वगैरह जो होता है यानी वैट के बारे में, VAT वैल्यू एडेड टैक्स, और टैक्स जैसे GST, जैसे कि आपने कोई सामान खरीदा उसमें GST ऐड है तो उसका पूछ देगा कि क्रय मूल्य क्या होगा यानी CP क्या होगा, तो ये सभी चीजें इसी चैप्टर के अंतर्गत आपको पढ़ना है, यानी कंपेयरिंग क्वांटिटी में ही। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा क्यूब एंड क्यूब रूट एंड स्क्वायर रूट, इन दोनों चैप्टर्स को मैंने एक में ही रखा है ताकि आप इजिली समझ सको। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इससे 2-4 क्वेश्चन आते हैं, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा, इससे भी 2 क्वेश्चंस या 1 क्वेश्चंस आना तय है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा एक्सपोनेंट एंड पावर, एक्सपोनेंट एंड पावर काफी अच्छा चैप्टर है क्लास 8 का, और इससे भी क्वेश्चंस आता है हर साल,
जैसे कि मैंने 10-15 साल के प्रीवियस ईयर देखे उसके अकॉर्डिंग इस साल भी आ सकता है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा मेंसुरेशन, ये भी वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो मेंसुरेशन, सरफेस एरिया वैल्यू, एक्सपोनेंट एंड पावर, ये सभी कुछ इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है। इन सभी को आप अच्छे से पढ़ना, जिसमें कि बोट एंड स्ट्रीम, प्रोबेबिलिटी, ये सभी भी शामिल है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी SI एंड CI। ज्यादातर आप कंपाउंड इंटरेस्ट ही अच्छे से पढ़ना, लेकिन बिना सिंपल इंटरेस्ट पढ़े हुए कंपाउंड इंटरेस्ट भी आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए तो सबसे पहले आप साधारण ब्याज पढ़ लेना, उसके बाद से आप चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ना, यानी SI पढ़ने के बाद से आप CI पे आना। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्रोपोगेशन, और नेक्स्ट चैप्टर है हमारा एलजेब्रिक मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, यानी एलजेब्रा का आपको मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना आना चाहिए। और नेक्स्ट चैप्टर है हमारा फैक्टराइजेशन, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। जरूरी नहीं कि फैक्टराइजेशन से क्वेश्चंस पूछता है, लेकिन फैक्टराइजेशन के बेस पे जरूर क्वेश्चंस पूछता है। सेकंड लास्ट चैप्टर है हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, यानी एक चर में रेखीय समीकरण। इसको भी काफी आप अच्छे से पढ़ना, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। जहां जहां भी मैं इम्पोर्टेंट बोला हूँ उसमें तो काफी अच्छे से आप कमांड बनाना, और जितने भी चैप्टर्स मैं बताया हूँ आगे मैं आपको बताऊंगा कि किस किस बुक से आपको पढ़ना है। और जो हमारा लास्ट चैप्टर है वो हमारा रेशनल नंबर, तो ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, यानी परिमेय संख्या, क्योंकि ये क्लास 8 का पहला ही चैप्टर है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि मैथ आप कहाँ से पढ़ सकते हो। मैथ पढ़ने के लिए सबसे बेस्ट तरीका यही है कि पहले आप NCERT पढ़ो। अगर आपने NCERT अभी तक खत्म कर दिया तो सही है। अब NCERT के बाद से दो और बुक आपको मैं प्रीफर करूंगा, जिसमें कि सबसे पहला है हमारा RS अग्रवाल, दूसरा हमारा RD शर्मा। इन दोनों में से कोई भी आप एक पढ़ सकते हो, या अगर आपके पास दोनों है तो दोनों भी पढ़ सकते हो। अगर दोनों में से कोई नहीं है तो चिंता की कोई बात नहीं, प्ले स्टोर पे इन सभी बुक्स का आपको PDF मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। वैसे भी इस बुक का जो PDF है ये काफी मतलब पॉपुलर बुक है, RS अग्रवाल और RD शर्मा। तो कहीं से भी आप डाउनलोड करके इनका जरूर एक्सरसाइज आप सॉल्व करना, क्योंकि काफी ये बुक जो है काफी मतलब इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं सॉल्व करने के लिए काफी ज्यादा दिए रहते हैं, तो इससे आपकी प्रैक्टिस भी काफी ज्यादा हो जाएगी। और किसी भी बुक को ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, आप चाहो तो मार्केट से कोई अदर बुक भी खरीद सकते हो। तो माय डियर फ्रेंड्स, अब हम बात करने वाले हैं साइंस की, यानी विज्ञान की। तो इसको आप एकदम अच्छे से सुनना, और मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात ये बता दूं कि कुछ चैप्टर्स मैं क्लास 9th का बताऊंगा, जैसे क्लास 9th की जो 3-4 चैप्टर शुरू के हैं उनसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो सभी चीजें मैं आपको बता दूंगा, तो सभी चैप्टर्स भी आप लिख लेना। तो फर्स्ट चैप्टर है हमारा साउंड, तो साउंड काफी इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्लास 8th का, तो उसको काफी आप अच्छे से पढ़ना, आप NCERT से पढ़ सकते हो। और नहीं तो मैं वीडियोस के लास्ट में आपको एक बुक बताऊंगा, उस बुक से भी आप साइंस एकदम अच्छे से पढ़ सकते हो। सेकंड चैप्टर है हमारा रिप्रोडक्शन इन एनिमल, और ये भी काफी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इससे हर साल 2-3 क्वेश्चंस आ जाते हैं, और इस साल भी आ जाएगा क्योंकि ये बायो का काफी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। नंबर 3 सेल चैप्टर, यानी कोशिका, इसको भी आपको एकदम अच्छे से पढ़ना है क्योंकि हमारा बायो का भी एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर नंबर 4 कन्वर्जन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। चैप्टर नंबर 5 कंबंशन एंड फ्लेम। चैप्टर नंबर 6 कोल एंड पेट्रोलियम, और ये भी एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्योंकि ये भले ही छोटा चैप्टर है लेकिन इनमें कंफ्यूजन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उस तरीके से थोड़ा ज्यादा क्वेश्चंस है, इसको भी आप अच्छे से पढ़ना। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा मेटल एंड नॉन मेटल, और इसमें आपको रिएक्शंस के जो टाइप्स होते हैं ये भी पढ़ना है। तो ये अगर आप क्लास 8 से पढ़ोगे तो इसमें नहीं दिया है, तो आप कोशिश करना थोड़ा अपर लेवल से पढ़ लेने की। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा सिंथेटिक फाइबर एंड फैब्रिक, यानी प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक, इसको भी आप अच्छे से पढ़ लेना। और नेक्स्ट चैप्टर हमारा फिर बायोलॉजी से है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। नेक्स्ट और 11 चैप्टर है हमारा क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, इसमें कोई ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बस फर्टिलाइजर और मन्योर से रिलेटेड आ जाएंगे, और खरीफ फसल और रबी फसल से रिलेटेड आ जाएंगे। बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की, वो है हमारा फोर्स एंड प्रेशर, बल और दाब। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा फ्रिक्शन, और ये हमारा फोर्स एंड प्रेशर और फ्रिक्शन ये दोनों काफी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा लाइट, यानी प्रकाश। ये जो लाइट चैप्टर है आप क्लास 7 से भी पढ़ लेना, क्लास 8 से भी, क्योंकि क्लास 7 का भी जो लाइट चैप्टर दिया है वो काफी अच्छा चैप्टर है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और नेक्स्ट चैप्टर है हमारा केमिकल फॉर्मूलाज।
अब इसको थोड़ा आप अच्छे से समझना। कई बार क्या होता है कि केमिकल फार्मूला पूछ देगा, जैसे कि मैंने एक प्रीवियस ईयर देखा उसमें पूछा था कि साबुन का फार्मूला क्या होगा, तो ये सभी चीजें आपको पता होनी चाहिए। साबुन को बेकिंग सोडा, विनेगर, ये सभी जो कॉमन चीजें होती है, इन सभी का फार्मूला आपको एकदम रट्टा हुआ होना चाहिए। चैप्टर है हमारा सम नेचुरल फेनोमेनॉन यानी लाइटनिंग के बारे में, अर्थक्वेक, ये सभी चीजें जो दिया हुआ है क्लास एट में, ये सभी चीजें आप पढ़ लेना। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा सोलर सिस्टम, को आपको साइंस में भी पढ़ना है या सोशल साइंस यानी आप सामाजिक विज्ञान में भी, दोनों में से कहीं एक जगह पढ़ लोगे तो आपका ये कम्प्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर फिर से हमारा बायोलॉजी से, रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे चैप्टर्स की जो क्लास नाइन्थ के हैं, जिसमें कि हमारा फर्स्ट चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग अस यानी हमारे आसपास के पदार्थ। अब हम बात करते हैं क्लास नाइन्थ के सेकेंड चैप्टर के बारे में, इज मैटर अराउंड अस प्योर यानी सेकेंड चैप्टर है ये क्लास नाइन्थ का, और थर्ड चैप्टर है हमारा एटम एंड मॉलिक्यूल। ये तीनों चैप्टर आप क्लास नाइन्थ से अच्छे से पढ़ लेना, और इसके लिए क्लास नाइन से पढ़ने के लिए आपके लिए एक चैनल मैं सजेस्ट करूंगा, वहां से आप पढ़ सकते हो। उस चैनल का नाम है एजू मंत्रा, आप सर्च कर लेना एजू मंत्रा क्लास नाइन्थ फर्स्ट चैप्टर, क्लास नाइन्थ साइंस सेकेंड चैप्टर, इस तरीके से करके वहां से आप पढ़ सकते हो। अब मैं आपको बता दूं कि एक एडिशनल बुक के बारे में मैंने आपको बताने के लिए बोला था, तो एडिशनल बुक है एसचंद यानी लखमीर सिंह का, तो उस बुक से आप काफी अच्छे से साइंस पढ़ सकते हो। जैसे कि एनसीईआरटी में क्या है कि एनसीईआरटी में बुजो और पहेली आपस में क्वेश्चंस करते हैं, लेकिन उसका आंसर आपको खुद से फाइंड आउट करना रहता है, तो अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप उनके आंसर्स को फाइंड आउट करो, लेकिन आप अब आपके पास शॉर्ट टाइम है, तो इसके लिए मैं आपको बोलूंगा कि आप लखमीर सिंह का एक्शन का जो बुक आता है उसको आप पढ़ सकते हो, उसमें काफी अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर आता है और सभी आंसर्स भी आपको मिल जाएंगे, और उसमें बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा भी दी हुई होती है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।